प्रिय दर्शकों को शुक्ला चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और छात्र छात्राओं को ढेर सारा प्यार। आज का हमारा पाठ है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन सन 1948 में प्रकाशित और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। इसे कभी कभी हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। 1949 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कई प्रसिद्ध निर्देशक इसे मंच पर भी ला चुके हैं। 1971 में निर्देशक मणि कौल ने इस पर आधारित एक फिल्म भी बनाई, जिसने आगे जाकर उस साल का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आषाढ़ के एक दिन के लेखक हैं, नाटककार हैं मोहन राकेश जी। और अब आइए मैं आपको बताऊं मोहन राकेश जी के जीवन की एक छोटी सी झलक। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। वे नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया, जीविका उपार्जन के लिए अध्यापन का कार्य किया। कुछ वर्षों तक सारिका नामक प्रसिद्ध पत्रिका के वे संपादक भी रहे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। 3 जनवरी 1972 की नई दिल्ली में इनका आकस्मिक निधन हो गया। मोहन राकेश जी हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार हैं। समाज के संवेदनशील व्यक्ति और समय के प्रवाह से एक अनुभूति संचुन कर उन दोनों के सार्थक संबंध को खोज निकालना राकेश जी की कहानियों एवं नाटकों की विषय वस्तु रही है। यह नाटक दर्शाता है कि कालिदास के महानता पाने के प्रयास की मल्लिका और कालिदास को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब कालिदास मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी में जाकर बसते हैं तो उनकी ख्याति और रुतबा तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उनकी सृजन शक्ति चली जाती है। लाखों प्रयत्न करने और अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास करने के उपरांत भी कालिदास जी संतुष्ट नहीं हो पाते। आषाढ़ का एक दिन नाट्य लेखन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वस्तुतः हिंदी के जिन एक दो लेखकों ने नाटकों में यथार्थ परकता और काव्यात्मिकता का श्री गणेश किया था, आषाढ़ का एक दिन उसकी महत्वपूर्ण परिणति है। इस नाटक की प्रत्यक्ष विषय वस्तु कालिदास जी के जीवन से संबंधित है। सारी घटनाएं आषाढ़ के एक दिन पर ही घटित होती है। प्रेयसी मल्लिका के आग्रह पर कालिदास उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसे सारी सुख सुविधाएं भी मिल जाती हैं, परंतु अपने मानसिक द्वंद की वजह से उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। नाटक का प्रारंभ मल्लिका के भीग कर घर आने से होता है, जो कालिदास के उज्जैनी जाने के निर्णय के संदर्भ में पाठकों में जिज्ञासा जागृत करता है, जिससे जिज्ञासा और कौतूहल की सृष्टि होती है। मल्लिका के समझाने पर कालिदास उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय अनेक पात्रों के संयोजन द्वारा स्वाभाविक रूप से अन्य चरित्रों का भी परिचय दिया जाता है। मातुल, विलोम, अंबिका तथा निक्षेप आदि पात्र नाटक के कथानक को कौतूहलपूर्ण और जिज्ञासावर्धक बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार
यदि कथानक के प्रारंभ की समीक्षा की जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के कथानक में कौतूहल और जिज्ञासा की जो सृष्टि की गई है वो इस नाटक के कथानक के प्रारंभ को सफल बनाता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के कथानक के विकास में रोचकता को बनाए रखने के लिए मध्य में रंगिनी संगिनी अनुनासिक व अनुस्वार की घटनाओं का संयोजन किया गया है जिसमें नाटककार को पूरी सफलता मिली है। इन घटनाओं ने नाटक की प्रवाहता को और भी रोचक बना दिया और इस प्रकार कथानक का विकास संगठित एवं हास परिहास की घटनाओं से गुम्फित है जो नाटक को एक रस होने से बचाता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका और कालिदास मुख्य पात्र हैं। मातुल, विलोम, निक्षेप, अंबिका, रंगिनी संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक और प्रिय गुंजमंजरी इस नाटक के गौण पात्र हैं। कालिदास और मल्लिका को इस नाटक का मुख्य पात्र माना गया है क्योंकि पूरा कथानक इन्हीं दो पात्रों पर आधारित है। मल्लिका कालिदास की सृजनात्मकता को एक नया आयाम देने के उद्देश्य से अपने से दूर कर देती है। वही कालिदास को सारी सुख सुविधाएं तो मिल जाती हैं परंतु उसकी रचनात्मकता समाप्त हो जाती है। यहाँ कालिदास के चरित्र के माध्यम से बाहरी और आंतरिक यथार्थ के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास और मल्लिका के अतिरिक्त विलोम एक ऐसा पात्र है कि जिसे खलनायक कहकर टाला नहीं जा सकता। वो कालिदास से भी अधिक विकसित पात्र है। उसके बिना यह नाटक भावुकतापूर्ण और शिथिल रह जाती है और उसके तर्कों में ही नहीं उसकी पूरी जीवन दृष्टि में एक ऐसी आवश्यकता और अनिवार्यता है कि उसकी गिनती हिंदी नाटक के कुछ अविस्मरणीय पात्रों में ही होगी। इस नाटक में मल्लिका की माँ और कालिदास का मामा मातुल दोनों बुजुर्ग हैं। नाटक के दो प्रमुख तरुण पात्रों के वे अभिभावक भी हैं। फिर भी दोनों के स्वभाव में एक दूसरे से बहुत भिन्नता है। दोनों के बीच यह भिन्नता अनेक स्तरों पर दिखाई देता है। इस कारण से मल्लिका और कालिदास दोनों के चरित्र अधिक सूक्ष्मता और रोचकता के साथ रूपायित हुए हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का शीर्षक भी सार्थक है क्योंकि इसमें शीर्षक के सभी गुणों का समावेश है। शीर्षक जिज्ञासावर्धक है जिसे सुनकर यह जानने की इच्छा होती है कि आखिर आषाढ़ के एक दिन में होता क्या है। आषाढ़ के पहले दिन जब वर्षा होती है तब उज्जैनी के राजा आचार्य वररुचि को कालिदास को लाने के लिए भेजते हैं और आषाढ़ के ही दिन कालिदास मल्लिका के समझाने के उपरांत उज्जैनी जाने के लिए तैयार होते हैं और आषाढ़ के दिन ही कालिदास मल्लिका को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सुप्रसिद्ध नाट्य समालोचक नेमीचंद्र जैन के अनुसार नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन एक सुगठित यथार्थवादी नाटक है। इसमें बाहरी ब्यौरे की अपेक्षा परिस्थिति के काव्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। हिंदी में यह पहला यथार्थवादी नाटक है और इसीलिए ये इतना ख्यातिपूर्ण है और जो बाहरी और आंतरिक यथार्थ के अंतर्द्वंद को इतने संवेदनशीलता के साथ दिखाता है ऐसे नाटक भी दुर्लभ है। इस उपन्यास में अतीत का ना तो तथाकथित विवरण है ना पुरातत्ववादी गौरवगान है। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन नाटक सही अर्थ में आधुनिक हिंदी नाटक की शुरुआत का सूचक है। धन्यवाद।